हे गाइस, बात कर रहे हैं अलादीन शो के सीज़न 4 को लेकर। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सीज़न 4 की लगातार डिमांड चल रही है, लोग एक बार फिर से देखना चाहते हैं सिद्धार्थ निगम को। लेकिन अगर बात करी जाए तो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सिद्धार्थ निगम जो है एंट्री कर चुके हैं बॉलीवुड में। सो ऐसे में क्या वो नज़र आ पाएंगे इधर, क्या एक बार फिर से उनको देख पाएंगे? जिस तरीके से फैंस की डिमांड चल रही है, ये डिमांड पूरी हो पाएगी? मेकर्स अगर सिद्धार्थ निगम को कास्ट करते हैं तो क्या वो दोबारा से डेली शो में नज़र आना चाहेंगे? वो बात अलग है, टीवी पर्दे ने ही उनको एक अलग पहचान दिलाई है लोगों की नज़रों में। इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोग, उनके फैंस इनको देखने के लिए। तो दोबारा से इधर नज़र आएंगे या नहीं, ये बात अगर क्लियर करते हुए बताएं तो जी हाँ, वो डेफिनेटली नज़र आएंगे, क्योंकि वो ऐसा कोई टीवी पर्दे को क्विट नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हर कोई एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, तो ठीक वैसे ही उन्होंने भी वहाँ बॉलीवुड में एंट्री ज़रूर की है, लेकिन इधर के लिए दरवाज़े उन्होंने बंद नहीं किए हैं। सो यही वजह है कि अपने इस पॉपुलर कैरेक्टर में, इस सुपर हीरो के कैरेक्टर में ज़रूर नज़र आना चाहेंगे। तो इस शो का सीज़न 4 कब आने वाला है, आपको बता दें, जिस तरह से डिमांड चल रही है आप लोग की, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, उससे उम्मीद करी जा रही है कि शायद 2024 में आपको इस शो का सीज़न 4 देखने को मिल जाए। मतलब कि मेकर्स जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, पेनिनसुला प्रोडक्शन हाउस का ये शो रहा है और यहाँ पर उम्मीद करी जा सकती है कि शो का सीज़न 4 आपको इस नए दौर में, नए साल में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा तो बता दें, अवनीत कौर को आप जानते होंगे, जो कि सीज़न 1 में पहली यास्मीन का कैरेक्टर वही प्ले कर रही थी, लेकिन फिर उनकी रिप्लेसमेंट होती है, आशीष सिंह नज़र आती हैं और आशीष सिंह को भी दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। सो यही वजह है कि आशीष सिंह को लेकर उम्मीद ज़्यादा करी जा रही है बजाय अवनीत कौर के। अवनीत कौर की डिमांड तो चल रही है, लेकिन वो डेली शो के जरिए नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से टीवी को छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं यास्मीन का कैरेक्टर भी उन्होंने इसी वजह से ही क्विट किया था। तो यही वजह है कि उनसे उम्मीद नहीं करी जा सकती है कि दोबारा से सिद्धार्थ और अवनीत एक साथ देखने को मिलेंगे, वो भी डेली शो के जरिए। और तो ऐसे में आशीष सिंह को लेकर चांसेस हैं, फिलहाल वो उम्मीद शो में नज़र आ रही हैं। आगे 2024 में क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, या फिर हो सकता है नई एक्ट्रेस भी आपको देखने को मिल जाए सिद्धार्थ निगम के अपोजिट। आपका क्या कहना है कमेंट करके एक सेकंड में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।